गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज देखो सुबह सुबह अपने साथ कांड हो गया। आज डोमिनोर छोड़ के डिस्कवर लेके जाना पड़ रहा है। नसीब ये था, नहीं तो आज मेरा हालत ख़राब हो जाता था। डोमिनोर का टायर पंचर हो गया है। गौरव गौरव टायर पंचर वाला कड़े नहीं तो आपन जातो ना डोमिनोसच्या लाईनला, इथून गेला लेप मारला सिग्नलवरून राईट घेतो डाव्या हाताला नाही तो सी आठवाला त्याच्याकडे जा, टायर खोलायला लाव, सगळं साफ करून मग परत टायर फिटिंग करायला लाव, चेक करायला लाव त्याला पूर्ण खोलून। हां लवकर घेऊन जाशील। सुबह की शुरुआत हुई है यार मेरी, नहीं बारिश ना है बस, ये बैग के लिए मेरे पास कवर नहीं है ले। ना बोलते बोलते बारिश शुरू, नहीं बैग के लिए कवर नहीं मेरे पास, कहाँ से क्या करूँगा यार। अभी चलो यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं रहता है, अब भर भर के ट्रैफिक है। हाँ बोले यार, जिस दिन जल्दी जाना होता है ना साइड पे, उसी दिन लेट होने लगे, उसी दिन पहले तो टायर पंचर, उसके बाद सारा अभी ये ट्रैफिक, मतलब दिमाग की तो फुलवान वाट लगा रही है। चलो भाई पहुँच तो गए साइड पे कम से कम, मुझे तो लगा था पहुँच ही नहीं पाऊँगा जल्दी। अभी कितना बज रहा है पता नहीं, एग्जैक्टली तो पता नहीं बट लगभग 9:15 बज चुके होंगे। यहाँ तो ट्रिप की शुरुआत में ही ट्रैफिक लग गई। वाह जी वाह, माझीवाड़ा ब्रिज तो पूरा का पूरा जाम हुआ पड़ा है। रुक जा भाई, जाने दे, कौन से चक्कर में जाम है अभी वो भी पता करना पड़ेगा। वैसे तो कोई स्पेसिफिक रीज़न रहेगा नहीं भाई, मैं बोल रहा हूँ ना कोई स्पेसिफिक रीज़न तो रहेगा नहीं, खाली ट्रक बंद। ओ भाई साहब कंटेनर ही गिर गया भैया जी का, अरे बाबा ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया आज तो। कंटेनर कैसे गिर सकता है यार गाड़ी से, ये तो लॉक होता है पूरा। गड्ढे संभल के चलना पड़ेगा भाई, नज़र रास्ते पे, ये तो नज़र हटी दुर्घटना घटी। फाइनली भाई विक्रोली तक आ गया, लेकिन बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है, बिल्कुल भी बारिश कम नहीं हो रही है। ऐसी हालत हो गई है ना अभी, पूछो मत, मतलब इरिटेट होने लग गया मुझे तो बारिश की वजह से अभी। ठीक है मैं अंदर से भीग नहीं रहा हूँ, वो एक चीज़ अच्छी है कि बिल्कुल भी अंदर में बारिश बिल्कुल भी गीला नहीं हो, बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी नहीं, वो एक चीज़ काफ़ी अच्छी है। बट फिर भी यार वो इरिटेशन हो जाता है एक टाइम के बाद में ना, वो अच्छा नहीं लगता है, इरिटेट होने लग जाता है। चलो अभी क्या कर सकते हैं, जो है सो है, डील तो करना ही है और काम भी करना ही है, क्या कर सकते हैं भाई साहब। आज भी यहाँ पे जनरेटर खड़े हैं साइन में पम्प चलाने के लिए, ताकि बारिश का पानी जमा ना हो करके। चलो अच्छी बात है, मैं तो अब तक तो डूब गई होती मुंबई जितना बारिश हुआ उसके अंदर। चलो भाई ऑलमोस्ट सायन, बहुत लेट हो गया, ऑलमोस्ट 2:15 बज चुके हैं, कब तक पहुँचेंगे पता नहीं है। चलो 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 चलो, चलो। आके कुछ खाना पड़ेगा, पहले भूख लगाए दबा के, जाके पहले नाश्ता वगैरह करते हैं। खाने जितना भूख तो नहीं है मुझे, बट थोड़ा नाश्ता करना पड़ेगा, नाश्ता करके फिर पेट भर सकता है अपना। अरे बाबा, अरे बाबा कीचड़। अच्छी हमने डिस्कवर का भी थर्ड गियर ख़राब हो गया है, उस चक्कर में ना थर्ड गियर में ज़्यादा देर चला नहीं सकता, उसको चलाता हूँ तो बहुत भयंकर वाला आवाज़ करता है, गुड़ 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 करके। ये ट्रक भाई साहब अभी तक इधर ही पड़ा हुआ है। अरे यार इसके ओनर को लगता है इसकी फिक्र ही नहीं है, या फिर पुलिस वालों ने पकड़ के रखा होगा। फाइनली भाई निकल चुके हैं साइड से, अभी बज रहे लगभग 7:30 बज रहे होंगे, मुझे एग्जैक्टली टाइम कंफर्म नहीं है, बट अभी मुझे जाना है थाने साइड पे, क्योंकि थाने साइड पे थोड़ा काम पेंडिंग है अपना, स्लैब भी चल रहा है और प्लस मुझे कुछ प्रिंटआउट्स भी निकालना है, तो मुझे साइड पे जाना ही पड़ेगा। देखता हूँ शायद से आज नाइट होगा हमारा, कंफर्म नहीं है, क्योंकि कल वापस 10:30 बजे तक मुझे वापस परेल भी आना है, तो डिपेंड है सिचुएशन पे क्या होता है कैसा होता है। अगर ज़्यादा ही लेट होने वाला होगा तो फिर मैं तो रुक नहीं पाऊँगा नाइट में, किसी और को रुका दूँगा। और गोरे तो है ही रुकने के लिए, कोई दिक्कत। ओ तेरी जी वैगन भाई साहब, जी वैगन मुंबई में तो जी वैगन दिख जाए वही बड़ी बात है। ओए चलो यार, जी वैगन देखनी है, क्या कर रहे हो।
दबा के हॉर्न मार रहा है भाई, दबा के हॉर्न मार रहा है। ये देख लो जी वैगन, माँ कसम क्या दिखती है यार गाड़ी, खतरनाक एकदम बोलेरो। पता है मुझे ना दिमाग में यही आता है, मैं बोलेरो लेने का सोचता हूँ ना तो मुझे यही फील आता है कि मैं जी वैगन ले रहा हूँ, इंडियन जी वैगन एक्चुअली। भाई साहब नीचे तो अच्छा खासा पानी भरा हुआ है, अभी दिखा नहीं सकता बट हाँ अच्छा खासा पानी भरा हुआ है नीचे। ओए अभी पता चला कि कांच ओपन था अपना, दिमाग में ही नहीं रहा यार। यार डिस्कवर सही है पता है, फटाफट गियर चेंज हो जाते हैं। भाई साहब चेंबूर नाका क्रॉस कर दिया, कैसे तोड़े ट्रैफिक में, इधर उधर कर करके ट्रैफिक क्रॉस हो गई फाइनली। अभी यहाँ से तो थाना तक ज़्यादा ट्रैफिक लगना नहीं चाहिए, एक लगेगा वो मुलुड चेक नाका पे लगने वाला है, उसके आगे तो कोई ट्रैफिक नहीं है। देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है, उसके ऊपर डिपेंड है सब। पहले स्क्रीन साफ कर लेता हूँ, कितर गया स्क्रीन अपना। चलो ठीक है, मैंने जिंदगी में इतना रफ गाड़ी नहीं चलाया होगा जितना आज चला रहा हूँ। कैसे तो मैंने आयरोली ब्रिज क्रॉस कर दिया, अभी आ रहा हूँ मुलुंड चेक नाके के पास में, मतलब मुलुंड का जो टोल नाका है उसके पास में आ चुका हूँ। भाई साहब बारिश एकदम घटिया तरीके से हो रहा है, पूछो मत। लिटरली मैं ना आप ऐसा बोल सकते हो कि बारिश हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है, बीच में ही लटका पड़ा है यार बिल्कुल। और उसी चक्कर में मैं बाइक चला रहा हूँ, और रात के टाइम पे ना यार बहुत मुश्किल हो जाता है दिखने में। आसान लगता है लेकिन आसान है नहीं। चलो भाई फाइनली पहुँच गए अपनी साइट पे, कैसे तो भी मैंने मैनेज करके पहुँच गए। अरे बाप रे बाप, मेरा इतना सर दुख रहा है ना अभी भयंकर वाला, क्योंकि ये हेलमेट में मैंने रेनकोट का जो कैप होता है ना वो उसके अंदर डाला हुआ है, तो उसकी वजह से इतना सर दुख रहा है, अब ऐसा लग रहा है कब हेलमेट निकालूंगा और कब नहीं। बट ठीक है चलो अभी सेल्स की इधर से जा रहा हूँ, क्योंकि देखता हूँ अगर गाड़ी अंदर घुस जाएगा तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी उधर ही लगा दूंगा रोड पे और उसके बाद वहाँ से पैदल चला जाऊँगा, डिपेंड है। मतलब वाटलंस गाड़ी शो नार नहीं म्हटलं तुम्ही। What's left? The storms we chase are leading us.